25 मोबाइल फोन, 28 सिम कार्ड, 23 एटीएम कार्ड, 17 बैंक पासबुक, 4 पैन कार्ड और 13 आधार कार्ड के साथ गिरिडीह पुलिस ने 9 ऐसे शातिर साइबर अपराधियों को गिरफ्तार किया है जो लोगों को नौकरी दिलाने का झांसा देते थे और फर्जी बजाज फाइनेंस कंपनी का कर्मी बनकर वर्क फ्रॉम होम तथा सेक्स टॉर्शन करने व एस्कर्ट सप्लायर बनकर ठगी करने का काम करते थे। साइबर अपराधियों में जमुआ थाना क्षेत्र के भूपतडी का रहने वाला चंदन कुमार, मोती कुमार शाह, हिरोडी थाना क्षेत्र के चुंगलखार का शैलेंद्र कुमार सिंह, देवरी थाना क्षेत्र का अभिषेक कुमार मिश्रा, सरिया थाना क्षेत्र के नगर केशवारी का राजू मंडल, विकास कुमार मंडल, डुमरी थाना क्षेत्र के जामतड़ा का मोहम्मद सिराज, जमुआ थाना क्षेत्र के परगोडी का सिकंदर कुमार और हजारीबाग जिले के गोरहर थाना क्षेत्र का दीपक कुमार शामिल है। तमाम जानकारी गिरिडीह पुलिस अधीक्षक दीपक कुमार शर्मा ने प्रेस वार्ता आयोजित कर दी। उन्होंने बताया कि प्रतिबिंब पोर्टल के माध्यम से लगातार सूचना मिल रही थी कि जिले के विभिन्न थाना क्षेत्र में साइबर अपराधी अलग अलग तरीके से लोगों को चूना लगाने का काम कर रहे हैं, जिसके बाद डुमरी SDPO सुमित प्रसाद के नेतृत्व में एक टीम का गठन किया गया, जिसमें प्रशिक्षु DSP कैलाश महतो, साइबर थाना प्रभारी अजय कुमार, पुलिस निरीक्षक ज्ञान रंजन कुमार, पुलिस अवर निरीक्षक गौरव कुमार, सावन कुमार साहा, सा अवर निरीक्षक संजय मुखियार, गजेंद्र कुमार, सौरभ सुमन, साकेत और जितेंद्र नाथ महतो को शामिल किया गया, जिसके बाद पुलिस की टीम ने अलग अलग थाना क्षेत्र में छापेमारी कर कुल 9 साइबर अपराधियों को गिरफ्तार करने में सफलता पाई है। गिरिडीह पुलिस के द्वारा लगातार साइबर अपराधियों की गिरफ्तारी के विरुद्ध में अभियान चलाया जा रहा है और इसी क्रम में कल गुप्त सूचना मिली कि साइबर अपराधियों के द्वारा लोगों से ठगी करने का प्रयास किया जा रहा है। इसी सूचना पर DSP साइबर श्री सुमित प्रसाद के नेतृत्व में एक टीम गठित की गई, जिसमें प्रोबेशनर DSP और थाना प्रभारी साइबर एवं अन्य पुलिस पदाधिकारी शामिल थे। इनके द्वारा गिरिडीह जिले में अलग अलग स्थानों पर छापामारी करते हुए कुल 9 साइबर अपराधियों की गिरफ्तारी की गई है और इनके पास से 25 मोबाइल, 28 सिम, 23 ATM कार्ड, 17 पासबुक और 4 पैन कार्ड तथा 13 आधार कार्ड भी जब्त किए गए हैं। साइबर अपराधियों में एक चंदन कुमार एक काफ़ी शातिर साइबर अपराधी है, जो बजाज फाइनेंस का बैंक कर्मी बनकर काफ़ी लोगों को ठगी कर चुका है। इसने कन्फेस किया है कि इसने अभी तक लाखों रुपए की ठगी की है। इसके साथ ही जो अन्य साइबर अपराधी थे वो नौकरी का झांसा देकर ठगी करते थे और इसके अलावा सेक्सटोर्शन के नाम पर ठगी करते थे और इसी प्रकार साइबर अपराधियों के विरुद्ध में जो गिरिडीह पुलिस के द्वारा अभियान चलाया जा रहा है वो आगे भी जारी रहेगा। इसके साथ अन्य खबरों से जुड़े रहने के लिए कृपया चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एवं शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।